हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। क्लास 10 2024 के बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, जहां पर कि हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। तो सीबीएसई, आईसीएसई या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सभी 2024 आने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हर एक क्वेश्चन की तरह से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, जहां पर कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए और प्लस साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए। कुछ भी नहीं करना है, इसके डिनोमिनेटर का हम लोग को एलसीएम लेना है, यानी कि साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब एलसीएम में जब हम लोग पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, जब दो दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और फिर से प्लस जो बीच में यहाँ पे लगा हुआ है ये लगा दिया मैंने। अब इस डिनोमिनेटर में फिर से जब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा साइन ए, और साइन ए को जब इसके न्यूमरेटर यानी कि साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आगे हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 2 ए बी यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए जो कि हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर जैसे है वैसे ही इसको छोड़ देंगे एज इट इज, बाय साइन ए को नीचे भी ऐसे ही छोड़ देंगे और इंटू में 1 माइनस कॉस ए है इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर पहले से है यानी कि न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का 1, और एक 1 पहले से है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए वहां पर ऑलरेडी है, और बाय डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए पहले से ही है इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 कॉमन और बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में साइन ए और 1 माइनस कॉस ए इंटू में पहले से है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए एक बार में कैंसिल, ये 1 बाय साइन ए हो जाएगा 2 कॉस ए के, 1 बाय साइन ए हो जाएगा कॉस ए के और 2 इंटू में पहले से है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए के जो कि अपने राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से आइडेंटिटीज का ये क्वेश्चन प्रूफ होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेस्ट विशेस, थैंक यू।